हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग तरीके से आलू फ्राई करने की रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। मैंने यहाँ पे आलू को गोल शेप में कट किया है, आप जिस मर्जी शेप में कट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कस्तूरी मेथी और दो चम्मच कॉर्नफ्लोर और एक चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके 5 से 6 मिनट तक रख देंगे। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे जब तक हमारा तेल गर्म ना हो जाए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद जितने भी आलू हमने मिक्स करके रखे हैं वो सारे इसमें डाल देंगे और इसको हम धीमी आंच पर पकाना शुरू कर देंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये साथ चिपक ना जाए। इनको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं, लेकिन हमने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। अब हमारे चटपटे क्रिस्पी फ्राई आलू रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम इसे बाहर निकाल लेंगे और एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।